बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मी चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हमने बनानी है ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड जिसको हम ब्रेड स्नैक्स बोलते हैं। आप लोग ब्रेड स्नैक्स के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े के क्रिस्पी से ये बनेंगे, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इस तरह की आप लोगों को यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी जिस तरीके से हमने बनानी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, फिर आप लोगों को समझ आएगी। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ये हमारे पास है बेसन 250 ग्राम के करीब, ये हमारे पास कुछ मसाले हैं और ये दो मीडियम साइज़ के आलू, इनको हमने इस तरह करके कट कर लेना है। ये चार मीडियम साइज़ के प्याज और वो हमारे पास 5 से 6 ग्रीन चिली चौकी हुई। ये हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड के हम बनाएंगे और मैं मेरे पापा मिल के बनाएंगे, तो फिर आपको बताएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कल मेरे पर ठीक ठाक हो गए, अभी भी ठीक ठाक हैं। अब रोजियां बात सारा कुछ करते हैं, तुम इदा करो। असं अब ब्रैड पकौड़ा जिन्हों ब्रैड स्नैक्स भी कहें वो बना लगे हैं। आज साढ़े को मसाले है, अद्धी अद्धी चमच असं मिर्च तो पाने लगे हैं, दादल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, आ बेसन है एक पाइया, दो आलू है, प्याज जो लंबा कटिया, ऐसा कोई डब रोटी है, आ मिर्चा है, आ बेसन जो आ प्याज पहले सब तो पाना इन हल कर दिया। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं ना क्रिस्पी से, वैसे ही हमने बनानी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, इजीली बन सकता है। हरी मिर्च, मसाले पाने, मसाले बाद घट हो तो फिर भी पै जाते, पानी नहीं पाना पहला, इन मिक्स करके सारे मसाले इस तरह ये पानी होंगे थोड़ा थोड़ा, आलू भी प्याज भी अगर जरूरत पी तो छिड़का ला लेना, समझ गया। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा बेसन पा लेना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, जितनी कम या ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो डालेंगे इसमें एक्स्ट्रा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको इस तरह हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, ज्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, ना इस तरह हल करना जिस तरह मैं कर रहा हूं, ना इन बहुत पतला करना ना बहुत मोटा, जो बिल्कुल उच्चे लग जाए ये उस हिसाब ने पकौड़ा बनना। इंशाल्लाह बना के तुम दिखा दें, इस तरह डबल रोटी के मसाला लाना जो बनाया, ये स्नैक्स भी बन जाता, इन पकौड़ा भी कह लो, भावे जो मर्जी कह लो, इस तरह लाई जाने तो दोनों पासे लाना, इस तरह भी कर लेना, मुड़ के इस तरह करके ला लेना, कोई मुश्किल काम नहीं गा है। इस तरह तो नाल ला के ऐं चबेड़ी जाना, इस तरह पाने सारे इदा पा के दिखा दे गले गले कर। इसको हमने, इसकी जो लेयर है ना उसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस इस तरह करके हमने बना लेना है। बहुत मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे, बाकी भी हम सारे बना के आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे सैंडविच जो है वो रेडी हो रहे हैं, इनको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर ये क्रिस्पी से और मज़े के बनेंगे। ये बाकी जो है हमने रेडी कर लिए हैं, इस तरह के ही हमने ये भी, जब हुए कलर इनका थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो हम इसको भी निकाल लेंगे और फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह देख लो साढ़े ब्रैड पकौड़े किन्ने बन के तैयार हो गए, जिन्होंने ब्रैड स्नैक्स भी कहते, आ सारे असं बना लाए हैं, थोड़ी डब रोटियां देख लो किन्ने सारे बन गए। इदा बनाया करो, इदा जो अपने घर पर बना के खोलिया करो, थोड़ा चैनल जरा सबसक्राइब भी करो, लाइक भी ज़्यादा ज़्यादा करो, कमेंट भी करो। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी।